Welcome to your social studies class, dear shining stars, with your learning buddy Aprajita. And children, here we start a new chapter of our book, Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 8 by Brain Root series. So children, this is the last chapter, chapter number 9 of your civics. That is Law and Social Justice. तो आइए चलिए पढ़ते हैं लॉ और सोशल जस्टिस के बारे में. सम एंड सब्सटेंस द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रीड आर मिनिमम वेजेस, माइनॉरिटीज, क्या है ये माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन व्हाट इज वर्कर्स वर्थ एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. रिट्रीव राइट द वेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स. अलग अलग जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको कैसे कैसे वेजेस मिलते हैं, कितना कितना वेजेस मिलता है, दैट वील कम टू नो. कैसे पता चलेगा, वी हैव टू रीड द चैप्टर फर्स्ट. ओके, मिनिमम वेजेस, व्हाट इज दिस मिनिमम वेजेस, किसे कहते हैं. द मेन पर्पज ऑफ अ वर्कर डूइंग अ जॉब इज टू अर्न सम मनी सो दैट ही कैन सस्टेन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. अब जो लोग काम करते हैं, एक वर्कर है जो काम कर रहा है, उसका मेन एम क्या होता है कि पैसे कमाए. वो पैसे कमाना ही इज द मेन एम ना, एंड जिससे कि वो पैसे कमा के अपने फैमिली को अच्छे से उनका गुजारा हो सके. अ पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स टू अर्न द हाइएस्ट पॉसिबल वेज, और एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहता है. ऑन द अदर हैंड private companies and businessmen always want to earn the highest possible profit. aur dusri taraf jo private companies hain aur jo businessmen hain wo hamesha ek highest possible profit earn karna chahte hain, bahut zyada profit earn karna chahte hain. in order to earn a higher profit a private company would always resort to every possible means of cost cutting. aur ye highest प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये प्राइवेट कंपनीज क्या करते हैं, ये हर पॉसिबल मींस से कॉस्ट कटिंग करते हैं. सो व्हाट इज कॉस्ट कटिंग. सी लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट ट्राइज टू सेफ गार्ड द वर्कर्स इंटरेस्ट. अब कुछ लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिससे कि वर्कर का जो इंटरेस्ट की सेफ गार्ड. The government has fixed minimum wages for different types of workers and employers violating the minimum wages are punished heavily. और सरकार ने एक fixed minimum wage जो है वो set किया हुआ है अलग अलग तरह के workers के लिए, और अगर employer जो है वो violate करता है, इन rules को violate करता है, इसके against जाता है, तो उनको पनिशमेंट मिलती है. दे आर पनिश्ड हेविली. एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस इन द कॉस्ट प्राइस इंडेक्स. अब जो वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, उसमें जो मिनिमम वेज फिक्स किया गया है किस बेसिस पे, द चेंज इन कॉस्ट प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके बेसिस पे फिक्स किया गया है. द मिनिमम वेजेस एक्ट इज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स. ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसके इंटरेस्ट को, जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनके अंदर स्किल्स नहीं होते हैं, या सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए. वर्कर्स लाइक लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एट्सेट्रा आर ऑफन इलिटरेट और सेमी लिटरेट एंड आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स. अब आपने देखा होगा जब घर बनता है तो वहाँ जो लेबर लगी हुई होती है, जो कुछ लोग ईंट ढोते हैं, कुछ लोग सीमेंट लाते हैं, दो ज़्यादा वर्कर्स. फिर डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, हमारे घर जो काम करते हैं, और जो लेबरर्स हैं, फैक्ट्री लेबरर्स हैं, ये लोग ज़्यादातर या तो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो इनको अपने इन राइट्स का पता नहीं होता है, मिनिमम वेजेस राइट्स का नहीं पता होता है. द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑल्सो वर्क्स एज अ डेटरेंट
against possible violators of the basic right of workers. Interpretation: some workers have poor literacy rate and are engaged in primary occupation. They continued to live in poverty. They suffered much injustice and exploitation. Now, the minorities. अब हम पढ़ेंगे minorities के बारे में. The term minority refers to such communities which are less than half of the total population of the country. Minorities वो community होती है जो कि country का जो total population है, देश का जो total population है, उसके half से भी कम होते हैं जो community. Those are known as minorities. Example, the Sikhs and the Christians. According to census of 2011, the population of minority group constitutes about 19.3% of the total population. Minorities should be protected in a democracy so that they can preserve their culture and heritage. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. दे शुड बी प्रोटेक्टेड, जिससे कि वो अपने कल्चर और अपने हेरिटेज को बचा के रख सके, प्रिजर्व कर सके. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेटअप बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया. इसके लिए क्या सेटअप किया गया है? द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द माइनॉरिटीज द राइट ऑफ कंजर्विंग देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, टू रिसीव एजुकेशन एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं माइनॉरिटीज के लिए. The government has notified 5 communities as minorities. Government ne 5 communities ko minority notify kiya hai. They are Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians. Some seats have been reserved for marginalized in professional education institutions such as medical college, engineering college, etc. Kuch seats reserved hain in marginalized logon ke liye. Spot inspect. Find out the minimum wage for a construction worker in your state. आपके state में जो construction workers हैं उनके minimum wage के बारे में find out, because different states have different minimum wages set up. Okay? What is workers worth? One reason why foreign companies come to India is for cheap labor wages that the companies pay to workers, say in the USA, are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. अब ये foreign companies India क्यों आती हैं? Why do they come to India? वो आती हैं cheap labor wages जो companies pay करती हैं workers को उसके लिए. अब US में क्या होता है? USA में जो wages हैं वो far higher हैं, जितना कि उनको वर्कर्स को पे करना है, जो पुअर कंट्रीज में पे होता है उससे बहुत ज़्यादा मिलता है यूएसए में. फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क. एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर आल्सो फ्यूअर. दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट. तो कंपनीज क्या करती हैं? कॉस्ट बचाती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं. Cost cutting can also be done by other more dangerous means, lower working conditions including lower safety measures are used as wage of cutting cost. Jo workers kaam kar rahe hain unka safety measures mein cost cut off kiya jata hai. In the UC plant every safety device was malfunctioning or was a short supply.
जो यूसी प्लांट था वहाँ पे जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस थे वो सब मैल फंक्शन कर रहे थे, ठीक से नहीं चल रहे थे, क्योंकि एक वर्कर जब काम करता है तो ही वर्क्स अंडर वेरी डेंजरस कंडीशंस। सो उसके लिए सेफ्टी जो डिवाइसेस वो यूज़ कर रहा है वो अच्छे होने चाहिए, एवरीथिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं एंड दीज डिवाइसेस दे मैल फंक्शन एंड फिर क्या होता है, तो वर्कर की जान पे खतरा हो जाता है। द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट कट इन हाफ फ्रॉम 12 टू 6 वर्कर्स। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 15 डेज। जो सेफ्टी ट्रेनिंग का पीरियड था उस वर्कर्स का, उसको 6 मंथ से 15 डेज पे कट ऑफ कर दिया गया। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। Enforcement of safety laws. अब safety laws का enforcement. As the lawmaker or enforcer, the government official. Sorry, repeating. Enforcement of safety laws. As the lawmaker or enforcer, the government official refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality. अब क्या हुआ, as lawmaker या enforcer जो government official थे उन्होंने उस plant को hazardous recognize नहीं किया और allow कर दिया कि वो populated locality में setup हो जाए। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of a MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state need the continued investment of the Bhopal plant which provides jobs. It was unthinkable according to them to ask UC to shift to cleaner technology or safer procedures. अब वो एक अनथिंकेबल था अकॉर्डिंग टू देम यूसी को शिफ्ट करना है क्लीनर टेक्नोलॉजी में या सेफर प्रोसीजर्स में। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो थे वो अप्रूव करते गए जो प्रोसीजर चल रहा था प्लांट में। इवन वेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। तब भी वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स प्रोसीजर्स पास करते गए जबकि कितनी बार लीकेज हो चुकी थी, आपको पता है ना भोपाल गैस जो गैस लीकेज हुई थी, कितनी बार गैस लीक हो चुकी थी वहाँ पे, लेकिन लोग सबको पता था कि चीज़ें गलत हो रही हैं यहाँ पे, तब भी वो गलत चीज़ें चलती रही। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वॉज बींग डिसरिगार्डेड बोथ बाई गवर्नमेंट एंड बाई प्राइवेट कंपनीज। लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, उनको उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखने की बजाय क्या किया गया, डिसरिगार्ड किया गया। दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ने उनका डिसरिगार्ड किया। सो चिल्ड्रन द कैटलॉग हियर। वेज द रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी, जो रेगुलर मनी मिलती है वर्कर्स को, दैट इज द वेज। जस्टिस द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल लेबर अ पर्सन हु डज सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्क माइनॉरिटीज द स्मॉलेस्ट नंबर और पार्ट ऑफ अ ग्रुप इंस्टॉलेशंस द प्रोसेस ऑफ पुटिंग समथिंग इन अ पोजिशन सो इट कैन वर्क प्रॉपरली। फाइन चिल्ड्रन, नाउ आई लुक ओवर टू द चैप्टर। द गवर्नमेंट ट्राइज टू सेफ गार्ड द वर्कर्स इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि वो सेफगार्ड करे वर्कर के इंटरेस्ट को। वर्कर्स लाइक लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एक्सेट्रा आर ऑफन इलिटरेट और सेमी लिटरेट। माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी सो दैट दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर एंड हेरिटेज। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। MIC प्लांट में जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। नाउ द एस्टिमेशन कॉर्नर चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
The main purpose of a worker doing a job is to earn respect, money, good links, perspective. Main purpose क्या होता है worker का जो job कर रहा होता है क्या earn करना होता है to earn money. According to the census of Dash, the population of minority group constitutes about 17.17%. According to the census of 2011. Companies can save cost and earn higher workers, wages, profit workers. They can earn higher profits. Fine? Now let's move further. Let's do the fill in the blanks. A person always wants to dash the highest possible wages. The person always wants to earn highest possible wages. ज्यादा wages क्या करना चाहता है? Earn करना चाहता है, कमाना चाहता है. The government has fixed minimum wages for different types of employment. Dash should be protected in a democracy. Democracy में क्या protect करना चाहिए? किसको protect करना चाहिए? Minorities. Minorities should be protected. Minorities. The period of safety training of workers was brought down from dash month to dash days, from 3 months to 15 days. The post of night shift workers for the MIC plant was abolished. Abolished. Okay, children? Fine. Now, children, state whether the following statements are true or false. The private company always wants to earn highest profit. Yes, this is true. Minority refers to such community which are less than half of the total population. False. The work crew for the MIC plant cut in half from 24 to 12 workers. True. One reason why foreign companies come to India is for cheap labor wages. Yes, this is also true. Okay, children. So, here we end up with our book of social studies. And I hope you had a good journey of history, civics and geography. And this was the last chapter. So, thanks for watching the video. Keep learning. Stay happy. And stay blessed. Bye.